सो फ्रेंड्स आई एम बैक होम। बाबू बाबू क्या दिख रहा है? सो बाबू को मसाज करना था, मॉर्निंग मसाज, तो मैंने वो झटपट झटपट कर दिया उसका। अभी बज रहा है अराउंड 12 बज चुका है एंड नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि बाबू का क्या नेक्स्ट सामान मुझे डालना, मतलब लेना, कैरी करना है। सो नेक्स्ट इज ये ऑलिव ऑयल। अगर एक दो दिन के लिए जाते तो मैं नहीं लेती, लेकिन 7-8 दिन के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको नहाने से पहले ऑलिव ऑयल लगाना पड़ता है पूरे बॉडी में। सो मसाज करती हूँ इससे मैं, तो ये मैं रखती हूँ। नेक्स्ट इसका कोकोनट ऑयल हेयर में लगाने के लिए। मैं पैराशूट का ही कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ नॉर्मल, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि कोकोनट वाला ऑयल यूज़ करने के लिए। सो ये रखना है मुझे हेयर के लिए उसका। नेक्स्ट है बाबू का नॉर्मल जो इवनिंग में, जो दूसरे वीडियो में मैंने आपको दिखाया था उसका इवनिंग रूटीन में, उसका 2 टाइम मसाज होता है। एक तो सुबह हो गया नहाने से पहले, उसके बाद जब मैं उसको मसाज देती हूँ अराउंड 6 बजे के लिए, 6 बजे के करीब, और उसके बाद बेड टाइम मसाज जो होता है, तो वो उसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करती, मैं ये यूज़ करती हूँ वो डाबर का लाल तेल, तो ये वाला उसको लगाना पड़ता है मुझे, तो ये भी कैरी करूँगी मैं। सो ये हुआ मसाज करने का सेक्शन ख़त्म, तो इसमें से मैं कुछ ले लेती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बिफोर नैपी क्रीम। इसके बिना तो मैं डायपर सोच भी नहीं सकती, ये बहुत अच्छा है। मैं इसके लेकर एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी कि मैं डायपर उस तरह किस तरह से उसको चेंज करती है और कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं रैशेस वगैरह डायपर आप अगर 100% पहना रहे हैं, जैसे मैं 100% अपने बच्चे को पहनाती हूँ डायपर। सो ये बिफोर नैपी क्रीम, डायपर से पहले ये क्रीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या लेना है मुझे, सोप, नहाने का सोप बाबू का, ये चीकू यूज़ करती है, यही वाला ब्रांड यूज़ करती है, तो फिलहाल के लिए तो मैं एक नहाने का साबुन इसका रख लेती हूँ। और उसके साथ शैम्पू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीकू का ही यूज़ करती है वो, तो शैम्पू रख रही हूँ मैं इसका। और ऑलमोस्ट तो बाकी इसमें मेरा सिर्फ सोप और भर भर के सोप वगैरह है, एंड और तो सोप की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। मैंने अभी रखा नहाने का सामान रिलेटेड, मैंने सामान रखा है जो है इसका ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल हेयर के लिए, और बेबी नैपी क्रीम, और शैम्पू, सोप, और उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ उसका लास्ट बट नॉट लीस्ट अभी ये लेना है मुझे, जो इसका बाबू का स्पंज होता है, बॉडी स्क्रबर होता है जिसको बोलते हैं, तो बॉडी स्क्रबर मेरे को रखना है बाबू का, तो ये मैं रखती हूँ। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी चीज़ें बाकी है। ये तो 50% हुआ है, और 50% मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। इसको मैं नहला देती हूँ, नहला के तैयार व्यार करके फिर मैं उसके बाद मैं लास्ट में जो उसके साथ पैकिंग करूँगी वो मैं दिखाऊँगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। सो देखते रहिए, अभी तब तक के लिए टाटा। सो फ्रेंड्स, लास्ट मैंने आपको दिखाया कि उसका पूरा मसाज वगैरह ऑयल वॉयल लिया मैंने, अब मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते छोटे बेबी के साथ में, वो है उसका मेडिसिन। मैं इस हिमालय में मेडिसिन रखती हूँ, मैं सारा एक्स्ट्रा मेडिसिन है बट इतना मैं नहीं ले जाऊँगी, जो जो रिक्वायरमेंट जरूरत है वो सारा मैं ले जा रही हूँ, जो जो इसमें इस पैकेट में डाल के मैं उसके अंदर डाल दूंगी। जैसे कि बाबू दो जैसे कि उसका ईयरबड, इस कान साफ करने के लिए, समटाइम नोज साफ करने के लिए तो ईयरबड चाहिए होगा, थर्मोमीटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेक करने के लिए टेम्परेचर उसका, अगर बुखार खुदा ना खास्ता अगर आ गया तो। नेक्स्ट है उसका ठंडा का दवाई जो मैं डाल रही हूँ, एक है ये उसका बुखार का दवाई पैरासीटामोल बच्चे लोग का है वो मैं डाल रही हूँ, बेबी रब अगर ठंडा लगता है तो, वो जैसे हम लोग का विक्स का होता है बाम होता है झंडू बाम, वैसे ये बेबी लोग का बाम है तो वो मैं डाल रही हूँ। विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नेजल ड्रॉप, जो बहुत इंपॉर्टेंट, नाक का भी ब्लॉकेज हो जाता है बेबी का, नॉर्मल उन लोग का नाक एनी टाइम बहता रहता है, तो जब वो लोग एसी में रहते हो तो नाक ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए नेजल ड्रॉप, कैल्पॉल फीवर के लिए अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ गया तो, फिर ये वाला मेडिसिन जिसमें ये मेडिसिन से वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा अगर ख़राब हो गया पानी वानी चेंज होने की वजह से, तो वो एक लिया मैंने। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट बाबू का विटामिन मेडिसिन A to Z और विटामिन डी मेडिसिन, जो रोज़ खाती है, अगले 1 साल तक खाती रहेगी,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं एक्स्ट्रा तो कैरी कर ली हूँ इसके साथ बस। बाकी सब ये एक्स्ट्रा ही है, मैं एक्स्ट्रा मेडिसिन रखती हूँ बाबू का, तो इतने ही मेडिसिन मुझे इसका लेना है। मेडिसिन के बिना आप नहीं ट्रैवल कर सकते बच्चे का, क्योंकि मेडिसिन चाहिए ही होता है। तो मैं इसको, इस पैकेट को इसके अंदर रख देती हूँ। नेक्स्ट बेबी का लोशन, मैं सेटाफिल वाला बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, डे वन से। तो ये नहाने के बाद यूज़ करती हूँ, वन टाइम ओनली यूज़ करती हूँ बॉडी एंड फेस के लिए। तो ये एक लोशन उसका रख लिया। हाँ सो फ्रेंड्स, इसको नहला दिया बाय द टाइम, और इसका जो लंच है वो खिला दिया। सेरेलैक्स नहीं खिलाया क्योंकि बहुत टाइम लगता खिलाने में, तो उसको मैंने दूध पिला दिया। सो नेक्स्ट मैं इसका पैक करूँगी वाइट्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रखूंगी इसके जो मैं आपको पहले बोली थी एलिफेंट बैग में, ये रहा उसका एलिफेंट बैग। इसमें क्या है, ये हैंडी रहेगा, इसमें डाइपर, ये कुछ डाइपर हैंडी में रखूंगी, वाइप्स में रखूंगी, बाबू का खाना रखूंगी और सेरेलैक्स रखूंगी और नैन प्रो जो उसका दूध है वो रखूंगी, ताकि मुझे ईजिली ट्रेन से निकाल के इसको आराम से मैं खिला दूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इन दोनों को पैक करना है, ये दो पैक करती हूँ। ओके, अपार्ट फ्रॉम डैट, ऐसे वो कंफर्टेबल रहेगी वहाँ पे, उसके लेकर मुझे कुछ खिलौना वगैरह भी इसका लेना पड़ेगा। तो मैं एक छोटू डोरेमोन ले लूँ इसका, हाँ। एक डोरेमोन मैं ले लेती हूँ, जिसको यहाँ पैक कर देती हूँ मैं। उसके साथ मैं ये वाला ले लेती हूँ टॉय, जो रात को ये लेकर सोती है, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगी, डालूंगी। इसका डक, इसका डक इसको पसंद है, इसके साथ में इसका तीन तो बेबी है, तो ये डक मेरे को रखना पड़ेगा, जो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ। और ये रखूंगी क्या, ये जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है, और ये जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं। तो मैंने दो तीन तो खिलौना भी ले लिया है, ताकि उसको कंफर्टेबल अच्छा लगे, ऐसा ना हो कि मतलब कहाँ नया आ गई है, तो ये दो खिलौना भी रख रही हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लास्ट करना है बाबू का नैन प्रो और बाबू का सेरेलैक्स। बाकी मैंने दो डब्बा अंदर रख लिया है, और उस वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं नैन प्रो इसमें रखूँगी, ताकि मैं इसको खिला पाऊँ। और मैं उसके साथ में बाबू का थर्मस, इसमें बाबू का गर्म पानी रखा हुआ है, और इसके साथ नॉर्मल पानी जिसमें मिक्स करके मैं पिलाऊँगी। इसको मैं एलिफेंट बैग में ही इसका रखूँगी, छोटा वाला बैग में, ताकि जल्दी से इसको खिला पाए ट्रेन में। तो ये तो सामने हैंडी रखना है मुझे। सो ये रहा फ्रेंड, रेडी हो गया इसका छोटा वाला बैग, इसमें नैन प्रो इसका दूध है, इसमें गर्म पानी थर्मस, इसमें नॉर्मल पानी बाबू का स्माइली, यहाँ पे डाइपर, इसमें नैपी क्रीम, इसमें नैपी क्रीम, इसमें डाइपर और बाबू का यहाँ पे वाइप्स। अलॉन्ग विद दैट मैंने इसमें टॉवल ले लिया है बाबू के लिए, क्योंकि वो रास्ते में अगर दूध पिएगी तो फिर उसको मुँह पोछना होगा, तो उसके लिए तो टॉवल भी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाबू का रेडी, सो ये बैग पूरा पैक हो गया बाबू का। इसके अलावा बाबू का तीन तो बॉटल, ये बॉटल और एक बॉटल स्टेरिलाइज हो रहा है, उसका चम्मच जो मैं इसके अंदर रखूँगी, छोटू सा पाउच है उसके अंदर मैं रखूँगी चम्मच, और ये रहा पानी जिसमें बॉटल में पानी पीती है बाबू, आजकल उसको पानी पिलाया जाता है, तो ये पानी का बॉटल। नेक्स्ट ये देखो बाबू को, नेक्स्ट बाबू का टॉवल रखना है, ये लास्ट है। खाना वाना रख दिया मैंने, ये बाबू का बैग जा रहा है, ये बाबू का बैग जा रहा है, ये बाबू का बैग जा रहा है, ये छोटू हम लोग का बैग जाएगा, और एक शुभ का लैपटॉप का बैग जाएगा। तो इतना सारा कैरी किया है पूरा टोटल सामान। सो फ्रेंड्स, बाबू का पैक हो गया सारा सामान, आपने देखा। होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। टोटल इसका तीन लगेज हुआ, लास्ट टाइम सात लगेज था, तो इस बार तीन लगेज हुआ। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको टिप भी बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो बाबू के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये अगर ये वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। तो बाबू सो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में। एंड मैं लास्ट दिखा देती हूँ आपको बैग सारा बाबू का जो जो लिया है, और इसी नोट के साथ में मैं साइन ऑफ करती हूँ आज के लिए। अभी बज रहा है दोपहर का 4 बज गया है, तो 8 बजे का ट्रेन है, तो अभी हम लोग निकलेंगे, और शुभ रेडी होने के लिए गया है।
क्या एक्साइटेड है जाने के लिए, एक्साइटेड है। और हाँ, सबसे ज़्यादा अनदर थिंग इज़ दैट अलग और एक चीज़ है, स्पेशल डे आज, क्योंकि आज पहली बार मैं 2A में ट्रैवल करूँगी, 3 निकल रहा है, क्योंकि हमेशा मैं ट्रेन में आप अभी तक 3 AC में ट्रैवल की हूँ, इस बार 2A में ट्रैवल करूँगी, 2 टायर में, देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो भी वीडियो में आने वाले वीडियो में आपको ब्लॉग में बताऊँगी। और ये बहुत एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए, और सो ही नहीं दोपहर को, ऐसे यूजली सो जाती है ये। और यही आपको दिखाना था, होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। आप अगर अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या एसेंशियल सामान लेना चाहिए ट्रैवल करने में, ताकि बेबी और आप दोनों ही आराम से इंजॉय कर पाए मोमेंट को, सो और कोई भी टेंशन ना हो किसी भी चीज़ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ले लिया बाबू का, पूरा घर पैक कर दिया उसका आधा से ज़्यादा, और अभी के लिए मैं रख जाती हूँ, साइन ऑफ करती हूँ। सो मी शाइस्ता, आहना एंड शुभम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ, बाबू के साथ, देखते हैं। और हाँ, आने वाली वीडियो में मैं दिखाऊंगी मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 टायर AC में, फर्स्ट टाइम आज ट्रैवल करेंगे, तो वो भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और नहीं भी अच्छा लगे तो ठीक है, कमेंट कर ही सकते हैं आप, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सो अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, और क्या इम्प्रूव करना वो भी बताइएगा। और तब तक के लिए टाटा बाय बोल दो बेटा, बाय। बहुत एक्साइटेड है।